हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका एक भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ पर खाना, तेल, रहना इतना महंगा हो गया है कि लोगों की परेशानी रोजाना बढ़ती ही जा रही है। अब 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश श्रीलंका में दवा की कमी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों को दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। दवा की दुकानों का भी यही हाल है। ऑपरेशंस को टालना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उनके पास 150 से ज्यादा दवाओं की कमी है। ये दवाएं सर्जरी के बाद मरीजों को दी जाती हैं। श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री केहेलिया रामबुकविला ने अफसरों को आदेश दिया है कि वो हर रोज अस्पतालों की स्थिति समीक्षा करें। दरअसल भीषण आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। यही वजह है कि वो विदेशों से सामान आयात नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि संकट से पहले श्रीलंका में ईंधन और गैस की गंभीर कमी रही थी। हालात ये थे कि आर्थिक संकट की वजह से देश में अशांति थी और लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। श्रीलंका लगातार विदेशों से मदद की गुहार कर रहा है। न सिर्फ UN बल्कि चीन, अमेरिका समेत कई देशों से वो मदद मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत ने संकट के वक्त अपने पड़ोसी देश को अकेला छोड़ दिया। भारत ने श्रीलंका को पेट्रोल और अनाज समेत कई चीजों की मदद मुहैया कराई थी। भारत एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ा उतरा था। हालांकि ये भी सच है कि चीन के तमाम पैतरों के बावजूद श्रीलंका चीन के प्रति अपने मोह को पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। श्रीलंका में क्या चल रहा है और बाकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए ABP Live।